बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर उसमें काली तिल डालकर उसमें एक सफेद फूल डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जैसे एक चौमुखी दिए को जो के आटे के दिए को लगा दिया जाता है, जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आना टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है। एक बेलपत्र उस अंडे के पास में, मटके के पास में वहां रखना, घर से उसी मटके में से पानी लेना है, उसी अंडे में से लोटा जल लेना है, उसको लेकर जाना है, एक बेलपत्र वहां रख दी, बची कितनी, छह, छह बेलपत्र में से चलते चलते एक बेलपत्र पानी लेकर जब जाओ तब एक बेलपत्र बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलपत्र चढ़ा के उस पे जल चढ़ाना, छठी बेलपत्र जल को पूरा मत चढ़ाना, जल लेकर पांचवे नंबर की बेलपत्र नंदीश्वर के पास में, जिस नंदी का पांव ऊपर की ओर हो, एक पांव नीचे दबा रहता है, पांव ऊपर, ऊपर वाले पांव के पास में एक बेलपत्र रख देना, पांचवे नंबर की बेलपत्र रख देना, चौथे नंबर की बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह, हमने कई बार आपको अशोक सुंदरी का स्थान बताया, ये जलाधारी यहाँ जो बीच में से जल बहता है, बीच में एक मोटी लाइन होती है अशोक सुंदरी, चौथे नंबर की बेलपत्र यहाँ रख दी, थोड़ा सा जल समर्पण कर दीजिए, तीसरे नंबर की बेलपत्र यहाँ बैठ कर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठ कर जल चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, यहाँ बैठ कर चढ़ा रहे हो तो यहाँ रखो, मतलब पार्वती जी का जो हस्तकमल है उस पर रखना है और उस पर जल चढ़ाना है, तीसरे नंबर की। दूसरे नंबर की बेलपत्र शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेलपत्र को रखना है, बेलपत्र की जो डंडी है आप बैठे हो, आप बैठे हो वहां भक्ति का मुंह होना चाहिए, डंडी का मुंह तुम्हारे ठीक पीछे, बेलपत्र यहाँ रखे, दूसरे नंबर जल चढ़ाए, एक बेलपत्र जो सातवें नंबर की है उस बेलपत्र को जो जलाधारी है जल चढ़ाने वाली उस जलाधारी का स्पर्श कराएं और उस बेलपत्र को वापस लेकर उसमें से थोड़ा सा जल उस जलाधारी में डाल दें, उस बेलपत्र को जो सातवें नंबर की बेलपत्र है उसका स्पर्श केवल जलाधारी को कर बाबा से विनती कर उस बेलपत्र को किसी भी दिन आप अपने घर में लाकर रख लो और कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हो बाबा से विनती कर आना, बाबा ऐसा धन देना कि मैं वहां जाकर लोगों को पानी पिला सकूं, बिस्कुट खिला सकूं, ऐसी कृपा करना। 7 मार्च को कथा प्रारंभ होगी कुबेरेश्वर धाम की, 5 मार्च के पहले पहले मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भरेगा और तुम्हें कुबेरेश्वर धाम जरूर बुलाएगा, ज्यादा दूर का नहीं सोचना, नजदीक। 7 बेलपत्र का उपाय, 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र का उपाय शिव जी का एक आनंद फल प्रदान, पहली परिंडे के पास, दूसरी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, तीसरी नंदी के यहाँ, चौथी अशोक सुंदरी के यहाँ, पांचवी पार्वती जी के यहाँ, छठी भगवान शंकर के ऊपर, सातवीं जलाधारी का स्पर्श कराकर जल कितनी जगह चढ़ेगा, जल कितनी जगह चढ़ेगा, केवल 5 जगह पर, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, दूसरा सुख सुंदरी की जगह, तीसरा पार्वती जी की जगह, चौथा शिवलिंग के ऊपर और पांचवा जो जलाधारी है ऊपर, उस 5 जगह पर एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा जल, और बाबा से विनती करना है आपको, बाबा मेरा ये दुख है आप मिटा दें, बाबा मेरा ये कष्ट है समाप्त करना, बाबा मुझे सीहोर पहुंचना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, रुद्राक्षसों में लोगों को भंडारा खिलाना है, बाबा इतनी झोली भरना मेरे दाता मैं स्वस्थ होकर कुबेरेश्वर धाम की धारा पर पहुंच सकूं, ऐसी कृपा उसे विनती करो, विनय करो, निवेदन।
से प्रार्थना करो। झोली पसार कर प्रणाम करोगे बुद्धि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, गुरुदेव ने अभी हाल ही में बाची गई शिव महापुराण कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बहुत ही अचूक उपाय बताया है। 7 बेलपत्र का और 1 लोटा जल का बहुत ही अचूक और नया उपाय है, आप इसे जरूर करें। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा इसे किसी भी दिन किया जा सकता है, तो बहुत ही प्यारा और अचूक उपाय है। गुरुदेव ने तो गारंटी ली है कि इस उपाय से मनोकामना जरूर पूरी होती है और कुबेर भंडारी धन का भंडार जरूर और जरूर भरता है। तो आप इस उपाय को बड़े मन से करना, प्रेम से करना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरुदेव जितने उपाय अपनी कथा में बताते हैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहते हैं। सोमवार की अष्टमी महाशिवरात्रि के उपाय चैनल पर है, आप जरूर देख लीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्कार।